One. Save your servant! Save me, oh God! वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और उसी के साथ ही वो अपने डर की वजह से खुद को गोली मार लेती है और ये सीन यहीं पर खत्म होता है। तो अब हम इस इंसिडेंट के गुजरे हुए काफी साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फादर कॉन्वे पैट्रिक के साथ कुछ बातें कर रहे थे और यहाँ पर फादर पैट्रिक से किसी असाइलम को दोबारा से बनवाने का बोल रहे होते हैं। और फिर उन्हीं की बातों से हमें पता चलता है कि दरअसल उस लेडी ने एक असाइलम में सुसाइड कर लिया था जो अब एक अबेंडेंट जगह बन चुकी थी और फादर कन्वे अब उसी असाइलम को रिबिल्ड करना चाहते थे। नेक्स्ट सीन में हम पैट्रिक को उसके एक फ्रेंड नॉल्स के साथ देखते हैं जो कि उसी अबेंडेंट असाइलम में पार्टी करने का बोलता है और उसके लिए पैट्रिक भी राजी हो जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर पैट्रिक और उसके सभी फ्रेंड्स उसी बिल्डिंग में एंजॉय करने आते हैं और यहाँ पर मैं आपको इन सभी लोगों के नाम बता देना चाहता हूँ। पहला है रोरी जो कि पैट्रिक का भाई है, ब्रैड, एम्बर, ड्र्यू, ब्रायन और रायन भी इनमें शामिल था। फिर हम सभी फ्रेंड्स को आपस में बात करता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो एक फेक रिचुअल परफॉर्म करने का डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए वो रोरी को एक जगह पर लिटाकर एक्सोरसिज्म परफॉर्म करने लगते हैं, लेकिन देखते देखते उनका फेक रिचुअल असल में रियल हो जाता है और इसी के साथ ही रोरी वहीं पर हवा में उड़ने लग जाता है। यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ सभी फ्रेंड्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ आता है। अब हम पैट्रिक और रायंस को आपस में बातें करते हुए देखते हैं जो कि एक दूसरे के करीब आ रहे थे। यहाँ पर पैट्रिक को अपने भाई रोरी की चिंता हो रही थी जिसके बाद में वो उसके रूम में उसे चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर रोरी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पैट्रिक पर ही अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके पैट्रिक उसे संभालता है और पास ही में रखे हुए एक बेड से उसे बांध देता है। फिर हम रोरी को देखते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी बहुत बुरी स्पिरिट ने उसे पजेस कर रखा हो। और उसे देखते हुए पैट्रिक फादर कन्वे को कॉल करके वहां पर आने का बोलता है और वहां पर आने के लिए फादर कन्वे भी राजी हो जाते हैं। अब इन इंसिडेंट के बाद पैट्रिक और रायन नीचे आकर अपना फ्रेंड को रोरी की कंडीशन के बारे में बताते हैं जिसे उस बिल्डिंग का केयर टेकर भी सुन लेता है और उन्हें पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है। वे सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं और तभी उन्हें रोरी के रूम से डेमोनिक आवाज़ें सुनाई देती है। वे फिर रोरी को देखने के लिए उसके रूम में जाते हैं जहाँ पर वो केयर टेकर रोरी को आज़ाद कर देता है और आज़ाद होते ही वो उस पर हमला कर देता है और यह हमला इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और बाहर आकर वो खुद को गोली मार लेता है और सभी लोग उसे ऐसा करते हुए देखकर डर जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद में एम्बर और ब्रैड वहाँ से भाग जाते हैं जहाँ पर ब्रैड उस खौफनाक मंदिर से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था कि उसे सामने खड़े हुए फादर कन्वे दिखाई नहीं देते हैं और उन्हें टक्कर मार देता है और इस वजह से फादर कन्वे मारे जाते हैं। इस घटना के बाद में वे दोनों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे और वो आपस में उसी असाइलम में जाने का डिसाइड कर लेते हैं जहाँ पर पैट्रिक और ब्रैड में बहस हो जाती है। ब्रैड की वजह से फादर कन्वे अब मारे जा चुके थे जो कि रोरी की जान बचा सकते थे, लेकिन ब्रैड यहाँ पर उन सभी से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है जिसके बाद वे सभी उसकी मदद करने के राजी हो जाते हैं और फादर कन्वे की बॉडी को छोटे छोटे पीसेस करके उस पर एसिड डाल देते हैं ताकि वो फादर कन्वे की बॉडी को पूरी तरीके से खत्म कर सके। और मूवी का ये सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। अब हम ब्रायंस को देखते हैं जिसे एक रूम में एक बुक मिलती है जिसमें उसे असाइलम की एक पेशेंट डेविन के बारे में जानकारी लिखी हुई थी। इसी के साथ में उन्हें वहाँ पर एक टेप भी दिखती है जिसे पैट्रिक और रायंस प्ले कर देते हैं। वे दोनों उस टेप की रिकॉर्डिंग को देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जिसके बाद वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तभी उस असाइलम की सारी डोर और विंडोज खुद ब खुद बंद हो जाती है और उसे देखकर ब्रैड को पैट्रिक पर शक होता है। उसके मुताबिक पैट्रिक ये सब कुछ करवा रहा है, लेकिन पैट्रिक इस बात से इनकार कर देता है। वे लोग बहस कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है और वे लोग रोरी के रूम में जाते हैं। वो देखते हैं कि रोरी ने खुद को आजाद कर लिया है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन उन सभी फ्रेंड्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से वे जल्दी ही रोरी को फिर से कंट्रोल में लेकर उसे बांध देते हैं। अब हम नॉल्स को देखते हैं जो कि उन सभी को बताता है कि अगर हमें रोरी की जान बचानी है उसके ऊपर दोबारा से एक्सोरसिज्म को परफॉर्म करना होगा जिससे कि रोरी के अंदर का डेविल उसे छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चला जाए। इसी के साथ में वो एक वेबसाइट से एक्सोरसिज्म को परफॉर्म करना भी सीख लेता है जिसके बाद वे सभी उसके एक्सोरसिज्म की तैयारी करने में लग जाते हैं।
उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान जब नॉल्सम बाइबल पढ़ता है तो वहाँ पर आसपास की सभी चीजें अचानक से हिलने लगती है और उसे देखते हुए नॉल्स पैट्रिक को होली वाटर लाने को बोलता है। पैट्रिक बाहर जाकर फादर कन्वे के बैग से होली वाटर लेकर आता है और जैसे ही वो होली वाटर को रोरी की बॉडी पर फेंकते हैं वैसे ही उसके सारे जख्म भी भर जाते हैं और नॉर्मल हो जाता है। इस इंसिडेंट को देखकर सभी को ऐसा लगता है कि उस इविल स्पिरिट ने रोरी की बॉडी को छोड़ दिया है और पैट्रिक उसे गले से लगा लेता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में नॉर्मल होना उस इविल स्पिरिट की एक चाल थी ताकि वो उनके एग्जोसिस्म को बंद करवा सके, जिसके बाद में वो स्पिरिट दोबारा से रोरी की बॉडी पर हावी हो जाती है और रोरी उन सभी पर अटैक कर देता है। वे सभी उसे दोबारा से बांध देते हैं और उसके पास एक कैमरा को लगा देते हैं ताकि वे सभी रोरी पर नजर रख सकें। यहाँ पर नॉवल से बताता है कि उसने सबसे पावरफुल एग्जोसिस्म को उसके ऊपर परफॉर्म किया था लेकिन फिर भी उस इविल स्पिरिट ने रोरी की बॉडी को नहीं छोड़ा, जिसका मतलब ये था कि वो डेमन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वे सभी नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक दीवार पर ये लिखा हुआ दिखाई देता है टॉक टू मी और उसे देखकर वे सभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ड्रू इन सभी से बहुत परेशान हो जाता है और वो आगे बढ़कर बोलता है कि तुम कोई भी हो मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। उसके ऐसा बोलते ही वहाँ पर कोई टूल गिर जाता है लेकिन पैट्रिक यहाँ पर ड्यू की जान बचा लेता है। अब रायन उन सभी से कहती है कि कोई स्पिरिट हमसे शायद बात करना चाहती है। वे सभी रायन्स की बात मानते हुए वहाँ पर एक ओइजा बोर्ड बनाते हैं जिसमें रायन्स और एम्बर वहाँ के स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर इसके बाद रायन्स स्पिरिट से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसमें वो स्पिरिट ये रिप्लाई देती है कि उसका नाम डेविन है। रायन दोबारा ये पूछती है कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था, जिसमें डेविन ये कहता है यस और इसी के साथ में वो उनसे हेल्प मांगता है कि मैं बहुत सालों से एक बॉक्स में कैद हूं और मुझे आजाद कर दो। उसके इतना बोलते ही वहाँ पर पास में रखा हुआ एक ग्लास खुद ब खुद टूट जाता है। वे सभी देखते हैं कि रोरी कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा था और वे सभी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। वे सभी फिर रोरी को हवा में उड़ता हुआ पाते हैं जो कि काफी ज्यादा वियर्ड और खतरनाक था। अब अचानक से यहाँ पर रोरी नॉर्मल हो जाता है और वे सभी लोग नीचे जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो स्पिरिट अब एम्बर की बॉडी में जा चुकी है और वो स्पिरिट एम्बर की बॉडी से नॉवेल्स पर अटैक करते हुए उसके गर्दन में एक चाकू को घुसा देती है और ड्यू की जुबान को भी उस चाकू से काट देती है और इसी के साथ ड्यू यहाँ पर बुरी तरीके से मार जाता है। पैट्रिक और रायन्स यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढते हैं जहाँ पर उन्हें खून से सना हुआ एक कमरा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें एक दरवाजा और मिलता है और जब वो उसे खोलकर अंदर जाते हैं तो वे लोग वहाँ पर फादर कॉनवे की कटी हुई उंगली को देखते हैं जो कि एक वार्डरोब की तरफ इशारा कर रही थी। इसके बाद पैट्रिक उस वार्डरोब को खोलने की कोशिश करता है कि तभी एम्बर वहाँ आ जाती और उसे देखकर वे दोनों छुप जाते हैं और एम्बर के जाने के बाद में वो एक अलमीरा से बाहर आते हैं। फिर वे उस वार्डरोब को खोलकर उसके भी अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें डेविन का बेड मिलता है और उन्हें एक क्रॉस के सिंबल के नीचे दबे हुए लेटर और फोटो मिलता है। उसे देखकर पैट्रिक ऐसा बोलता है कि ये फोटो मैंने कहीं पर देखा हुआ है और फिर वे दोनों दोबारा से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं कि तभी एक बार फिर से उनके सामने एम्बर आ जाती है जो कि इस बार उन पर बहुत ही ब्रूटली तरीके से हमला कर देती है। वो पैट्रिक पर हावी हो जाती है और पीछे से रायन उस पर हमला कर देती है और उसे मारने भी लगती है, जिसके बाद में पैट्रिक एम्बर की आंखों में एक टूथब्रश को घुसा देता है जिससे होता यह है कि एम्बर की आंखें चली जाती है और मौका पाकर पैट्रिक एम्बर पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर से तब तक हमला करता है जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती है। फिर वे अब दोबारा से इस जगह से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और उनके सामने इस बार नॉवेल्स आ जाता है क्योंकि एम्बर के मरने के बाद में वो स्पिरिट नॉवेल को अपना मीडियम बना लेती जिससे कि नॉवेल्स अब आउट ऑफ कंट्रोल होकर पैट्रिक और रायन पर हमला कर देता है लेकिन वो दोनों मिलकर नॉवेल्स को यहाँ पर बुरी तरीके से मार डालते हैं। फिर इन सब के बाद में हम ब्रेड को देखते हैं जिसके सामने अचानक से फादर कन्वे आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो डर जाता है और अपने बचाव में पेड़ की एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में घुस जाता है जिसके कारण ब्रेड भी वहीं पर मारा जाता है। अब हम रायन्स और पैट्रिक को देखते हैं जिन्हें एक बॉक्स से कुछ आवाज सुनाई देती है। उस बॉक्स को खोलने पर उन्हें वहाँ पर रोरी मिलता है। उसे देखकर पैट्रिक उससे पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, जिसके जवाब में रोरी उसे बताता है कि उसके साथ में ऐसा फादर कन्वे ने किया। फादर कन्वे के बारे में ये बातें सुनकर वे सभी डर जाते हैं क्योंकि फादर कन्वे की बॉडी को तो वे सभी बहुत पहले खत्म कर चुके थे तो वापस कैसे आ सकते हैं। फिर वे अब सभी बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं जहाँ पर उन्हें एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मिलता है। उसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि इसके थ्रू वे इस असाइलम के डोर को खोल सकते हैं।
पैट्रिक जब वहाँ पर लगे हुए एक लीवर को खींचता है तो उससे एक विंडो खुल जाती है। उसी के थ्रू रायंस वहाँ से भागने की ट्राई करती है, लेकिन फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसके पैरों में एक नुकीला हथियार घुसा देते हैं, जिससे कि रायंस को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक रोरी को उसी विंडो से बाहर निकाल कर उसे भगा देता है और फादर कन्वे अब रायंस के पीछे पड़ जाते हैं और वो रायंस के पेट में एक रॉड को घुसाकर उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। इस इंसिडेंट को देखकर पैट्रिक को गुस्सा आ जाता है और फादर कन्वे पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा ही जला देता है। फिर वो रायन के तड़पने के दौरान उसके हाथ से गिरे हुए ब्रेसलेट को पकड़कर रोने लगता है, लेकिन अचानक से रायंस फिर से जिंदा हो जाती है। पर रायंस अब एक नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक इविल एंटिटी बन चुकी थी। फिर वो पैट्रिक पर अटैक कर देती है, लेकिन रोरी यहाँ पर वापस आ जाता है और वो रायंस को पकड़ लेता है। रोरी और पैट्रिक दोनों मिलकर रायंस के हाथों को काटकर उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और फादर कन्वे की बॉडी में लगी हुई आग पूरे असाइलम में फैल जाती है, जो कि बाहर से पैट्रिक और रोरी देख रहे होते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी के बारे में समझाता हूँ कि दरअसल इस मूवी में क्या हुआ है। इस मूवी में रायंस डेविन थी और मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो लेडी दिखाई गई थी वो रायंस की मदर थी और फादर कन्वे उसके पिता थे, लेकिन फादर कन्वे ने उसकी मदर को कभी भी एक्सेप्ट किया ही नहीं, जिस कारण परेशान होकर रायंस की मदर ने मूवी की स्टार्टिंग में सुसाइड कर लिया था। और तभी से रायंस फादर कन्वे से बदला लेना चाहती थी, जिस कारण उसने काले जादू का सहारा लिया। और फादर कन्वे वास्तव में ब्रेट के कार के सामने कभी आए नहीं थे, वो सब कुछ एक इल्यूजन था जो कि फादर कन्वे ने खुद क्रिएट किया था। लेकिन मूवी के एंड में रायंस के साथ साथ फादर कन्वे का भी एंड हो जाता है।